चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेक्चर फर्स्ट में चलेंगे हम, क्लास प्लस वन, चैप्टर सेवन चले, 7.2। टॉपिक है फैक्टोरियल। सबसे पहला फैक्टोरियल है, जो चैप्टर का नाम है फॉर्मूलेशन कॉम्बिनेशन है, 4 to 5 मार्क्स का रहेगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो करने वाली हैं, वो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो वाली एक्सरसाइजों में से हैं, 7.4, 5 और 8। पर आपको ये पता है सारी इंटरलिंक्ड होती है, पहले बाकी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कराएंगे, उसके बाद 7.1 की तरफ चलेंगे। तो पहले 7.2 है, पहला कंसेप्ट है फैक्टोरियल। 10 तक नहीं पढ़ा होता, नया होता है आपके लिए, इंटरेस्टिंग होता है, कोई खास मुश्किल नहीं होता, एक बार स्टार्ट करने की देर है। पहला है फैक्टोरियल। तो नोटबुक और अपनी बुक अपने साथ रखिएगा, क्वेश्चन को करिएगा साथ साथ, तभी आपका हाथ चलेगा। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल क्या है, उस टॉपिक का नाम है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करते हैं बाय, या तो आप एंगल के साइन से नोट करते हैं या एक्सक्लेमेटरी साइन से नोट करते हैं, मतलब इस साइन से नोट करते हैं, या फिर और एंगल के साइन से नोट करते हैं, एंगल के साइन से, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करें, आप पेपर वाले की चॉइस है, एग्जाम में कैसे वो देखते हैं, या तो एंगल की टर्म में करते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन है, किस तरह से कराओगे या इस तरह से नोट करते हैं। चलिए, डिफाइन इट्स, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट होती है, जो फैक्टोरियल होता है वो लगातार होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट होती है, आइदर स्टार्ट फ्रॉम, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट होती है, लगातार चलती है, ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर दिया ना, रियल ना इंटीजर, नेचुरल नंबर, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, या तो वन से स्टार्ट होंगे और एंड एट वन, या वन से खत्म, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में 1, 2, 3 लिख लो, 1, 2, 3 लिख लो, या 3, 2, 1 लिख लो, 1 से स्टार्ट 1 से खत्म, एक ही बात है। क्या मतलब बता, या तो 1 से स्टार्ट होंगे या 1 पे क्या होंगे, खत्म। तो कहता है आपके पास जो रहेगा वो कहता है फैक्टोरियल है, या तो वो 1 से स्टार्ट होता है या 1 पे खत्म, कॉन्टिन्यूस चलता है। जैसे एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल, ये साइन जो है फैक्टोरियल की, या तो 1 से पे स्टार्ट कर लो या 1 से खत्म, कॉन्टिन्यूस। तो 1 into 2 into 3 into 4 तक जाना है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल है, सबको मल्टीप्लाई करो, 24 आंसर है। वो बात अलग है, वो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी सकते हो, 4 से शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 आगे वैसे ही जा सकते हैं 0, क्योंकि 0 से आगे जो मर्जी चल जाओ, 0 आगे एक बार सारा 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट या 1 से खत्म, ये मतलब है। एग्जांपल, आवाज आ रही है आपको, एग्जांपल। तो फैक्टोरियल को हम यूज करेंगे, नया टॉपिक है आपके लिए, जब भी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट चाहिए, मेरा मतलब 5 फैक्टोरियल है, तो यह सो 5 से स्टार्ट कर लो, 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई तो आप करने, आपकी जो ड्यूटी है 5, 1, 2, 3, 4, 5 वो आप सोचो। एग्जांपल, या तो 1 से स्टार्ट या 1 पे करते, आप फैक्टोरियल को ऐसे भी डाल सकते हो, इसका मतलब फैक्टोरियल है 3, 2, 1 मतलब 6, और 3 फैक्टोरियल को 1, 2, 3, 6 ऐसे भी सकते हो, रिजल्ट है। तो आपको सारे टॉपिक में बस फैक्टोरियल है तो तोड़ना है या बनाना है, या तोड़ना है या बनाना है, बनाने का मतलब क्या होगा वो तो चलो अभी आगे आने हैं रिजल्ट में। जैसे 1, 2, 3 up to 10 तक दिया होगा तो आप इसको 10 फैक्टोरियल बना सकते हैं, पर इसकी डेफिनेशन में 1 से स्टार्ट 1 से खत्म, पूरे टॉपिक में या तो फैक्टोरियल तोड़ना है या बनाना है, किस तरह से बता रहा हूँ। सबसे पहला रिजल्ट, एडिशन ऑफ 2 फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल, रिजल्ट एडिशन जो है ऑफ 2 फैक्टोरियल की
इज नॉट पॉसिबल. क्या मतलब है? दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. दोनों की वैल्यू अलग होगी, लेफ्ट की अलग राइट की अलग. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को खोलूं तो बनता है 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल. 3 2 1 प्लस 2 इंटू 1 6 प्लस 2 8 आ गया. और अगर मैं कहीं राइट हैंड साइड को खोलूं तो आर एच एस आई का राइट हैंड साइड 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 120. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दूसरी बात है, सब्ट्रैक्शन भी इस तरह से पॉसिबल नहीं होती. आप दो फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते. दूसरी बात, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. मेरा मतलब ये, एग्जांपल 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, रीजन सेम है. तीसरी बात, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. जैसे सिंपल एलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते थे, इसमें ऐसा नहीं होता. आप सोचो मैं किसी को भी कभी भी सब्ट्रैक्ट करा दूं, नहीं. मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस है, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती. अंडरस्टूड है क्यों? वो आपको मैंने बता दिया. आपको प्रूफ चाहिए, रीजन चाहिए, तो आप लेफ्ट और राइट को सॉल्व करो. आपका इक्वल टू नहीं आएगा. फोर्थ है, डिवीजन है ऑफ 2 फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल. दो फैक्टोरियल की डिवीजन पॉसिबल नहीं. जैसे एग्जांपल, अगर 15 फैक्टोरियल आ जाए बाय 3 फैक्टोरियल आ जाए, इज नॉट इक्वल टू, कहीं कैंसिल कर दो 3 5 15 5, ऐसा नहीं होता. एग्जांपल है 10 फैक्टोरियल है अपॉन 2 फैक्टोरियल है, 2 को 10 से काट दो, ऐसा नहीं होता. बट नॉट बट बट फिफ्थ, ये बात अलग होती है. कौन सी वाली? फिफ्थ. जितना ऊपर फैक्टोरियल है उतना ही नीचे फैक्टोरियल आए, मतलब ऊपर भी 3 फैक्टोरियल नीचे भी 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाता है. उसका रीजन, बिकॉज दे आर कैंसिल, बिकॉज दे हैव सेम वैल्यू. वैल्यू वाइज सेम है, दे आर कैंसल्ड. ये कैंसल्ड हो जाएंगे. रीजन क्या? बिकॉज दे है, इसका रीजन ये है, उनके पास क्या होती है? वैल्यू सेम है. दे हैव सेम वैल्यू, सेम वैल्यू वाइज सेम, सेम वैल्यू. वैल्यू वाइज आगे पीछे नहीं है, इसलिए करते हैं. क्या मतलब वैल्यू वाइज? दैट मीन्स ये कट के वन हो जाएगा. हाँ, क्यों? दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल है, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है. 3 फैक्टोरियल को तो सॉल्व करो 3 2 1, नीचे को सॉल्व करो 3 2 1, 6 बाई 6, ये कट गए क्योंकि इनकी वैल्यू 6 6 है. सेम वैल्यू तभी तो कट रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू है. तो 15 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा है, 3 फैक्टोरियल बहुत छोटा है, ऐसे नहीं काट के रख देंगे. कर लो आप सॉल्व, नहीं तो सॉल्व कैसे करना है? एक को जैसे कराया वैसे ही सॉल्व करना है. करना चाहो तो कोई भी कर सकते हो. ऑब्वियस है 4 फैक्टोरियल है अपॉन 4 फैक्टोरियल, कट के 1 हो जाएगा. बट 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल है, कट के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं होता. सोचिए, कर लो चैप्स. वैल्यू वाइज सेम हो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सिक्स्थ, वी कैन स्टॉप फैक्टोरियल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कहता क्वेश्चन में डिपेंड करता है, तुम कभी भी कहीं पे भी फैक्टोरियल को रोक सकते हो, कोई इशू नहीं रहता. क्या मतलब बता? जैसे उदाहरण दिया, एग्जांपल, ये कटने का रीजन ये है. ये वैसे नहीं कट रहे, आप सोचो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट रहे हैं. ये कट इस लॉजिक से रहे हैं, इसकी वैल्यू 6 से 6 कट रहे हैं. फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं कटा, ये दिख रहा है हमें फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटता हुआ, पर एक्चुअल में ये ऐसे नहीं कट रहा, एक्चुअल में ये ऐसे कट रहे हैं. ये जो तुम 4 फैक्टोरियल को 1 लिखते हो, ये ऐसे 1 नहीं आया, ये आया कैसे? अगर आप देखना चाहो तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल वैल्यू वाइज सेम है,
4321 24 बाय 24 तो वैल्यू वाइज 1 है वो सी। वी कैन स्टोर फैक्टोरियल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मतलब है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज तो 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सोचो, ये 4 3 2 1 को मैं 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ सोचो, बिकॉज 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2 1। मेरे कहने का मतलब 6 फैक्टोरियल, तो मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये 3 2 1 को 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिकॉज 3 2 1 6, ये भी 6 और ऐसे लिख सकता हूँ। मैं 6 फैक्टर को जहाँ चाहूँ वहाँ रोक सकता हूँ। क्या मतलब है बता रहा हूँ, इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल। तो मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें किस फॉर्म में चाहिए। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे के, देखो जरा आप यहीं से देखो, यहाँ से इस एग्जाम्पल से शायद आपको समझ आ, अगर इनसे नहीं समझ आया तो शायद इससे समझ आ जाए। देखो 5 फैक्टोरियल है, 5 को क्या लिख सकता हूँ सोचो जरा, 5 × 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि आप 4 फैक्टर को और भी ले सकते हो, 4 × 3 फैक्टोरियल, और 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, और 5 4 3 2 1 एक ही बात है सोचो। मेरे कहने का मतलब 6 फैक्टोरियल है, आपकी मर्जी 6 तोड़ो फिर 5 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, तो आगे वही चलेगा, और 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हो, 4 × 3 फैक्टोरियल एटसेट्रा, आपकी मर्जी है जहाँ मर्जी लिख तोड़ सकते हो। और पर तोड़ना एक एक कम करके, अगर 6 से शुरू हो रहे हो तो एक एक कम होगा, एक एक लेस होता है। तो कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में यूज होंगे, तो ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल आप लोग n फैक्टोरियल है जो मैं यूज करने वाले हैं, तो इसको लिख सकते हो n n-1 n-2, ये कम करने 3 3 2 1 तक सोचो, और ये सारा क्या आ गया सोच के देखो, n × n-1 फैक्टोरियल। तो ये मत करना, आप किसी को कहीं पे भी रोको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब ये है, n फैक्टोर को तोड़ सकते हो n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल है n+3 फैक्टोरियल, n+3 एक कम, n+2 एक कम, n+1 डिपेंड करेगा कहाँ रुकना चाहते हो, बोला हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चले गुड़िया बता दे रहा, कोशिश करियो n-2 फैक्टोरियल है, लिखवा दे रहा नहीं, जैसे n फैक्टोरियल तो पहले n आएगा, n फैक्टोरियल पहले n आता है, n+3 तो पहले n+3 आएगा, पहले तो ये आएगा n-2, कोई भी देख लो, 6 फैक्टोरियल तो पहले 6, 5 फैक्टोरियल तो पहले 5, तो n-2 तो n-2, आगे बोलो आगे n-2 n-1 इनटू क्या आएगा n फैक्टोरियल, या फिर एक और कम करूंगा तो n-2 n-1 फैक्टोरियल सोचो, जहां मर्जी रोक सकता हूं, ठीक है एक एक कम करने, कम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे n था तो n से कम किया n-1, n+3 था तो कम किया n+3, एक कम करो तो n+2 हो गया, तो ये क्या होगा n-2, फिर n-2 एक कम करो तो कितना बनेगा सोचो, n-2 × n-3 फैक्टोरियल। सोचना जरा, यह एक कम कर फैक्टोरियल, समझते हो 1 तक जाना है,
कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट या तो वन से स्टार्ट होती, तो वन से थोड़ा स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो अपने नंबर से हुई, फिर एक कम होगी। जैसे मैं अगर फ्लो में लिखूँ तो एन माइनस टू फैक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, एन माइनस टू एक कम करो, एन माइनस थ्री एक और कम करो, एन माइनस फोर एक और कम करो, एन माइनस फाइव जहाँ तक मर्जी रोक लो। वो आप क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कहाँ रोकना है। कोई और नोट करो ना करो, ये वाला एग्जांपल जरूर नोट करना दोनों, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में यूज है, सारे यूज है, ये क्वेश्चनों में सारे यूज है, इसलिए मैंने एग्जांपल आपको दे दिए। एक एक कम करना है, बढ़ाना नहीं है, गलती से भी बढ़ाना नहीं है, आराम से अपने दिमाग सोचो ये वाला क्या था, ये गलत है, ये ऊपर वाला ये वाला गलत है, तो इसको करूँगा कैसे, एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये वाला ठीक है, एन माइनस टू एक कम करो ना, एन माइनस टू में से कम करो, तो जब ये कम करो तो एन माइनस थ्री बनेगा, ये मैं कहूँ n माइनस वन नहीं बनेगा, ध्यान रखना जब ब्रेक करो। नोट है इन क्वेश्चन वी कैन ब्रेक लार्जर फैक्टोरियल, इन क्वेश्चन वी कैन ब्रेक लार्जर फैक्टोरियल, so that we reach to smaller factorial। क्या मतलब है बता दूं, जैसे एग्जाम्पल हम बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक करें जिससे स्मॉलर की टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, लार्जर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। एग्जांपल बुक के दे देंगे, क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे। 7.2 की बात हम कर रहे हैं तो साथ साथ बता दूंगा मैं कौन से क्वेश्चन को आपको लेके चलूँ। जैसे एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट है, कहते हैं इसको क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो 8 को तोड़ेंगे, 8 7 6 5 11 पे नहीं पहुंचेगा, ये लार्जर है ये स्मॉलर है, तो लार्जर वाला ब्रेक करेंगे ताकि वो स्मॉलर तक पहुंच जाए। कैसे बता रहा हूँ, दोनों में से कौन सा लार्जर है, देखो ये वाला ऊपर वाला क्या है, बड़ा है लार्जर, ये क्या है स्मॉलर है, स्मॉलर दिखने से पता चलता है। 11 को तोड़ लो कैसे, 11 फिर कम करो 10 फिर कम करो 9 फिर कम करो 8 फैक्टोरियल बस, और नीचे कितना पड़ा हुआ है 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो कितना आ गया 990, ये मतलब है। एक आधा और देखो, थर्ड ऐसे करना है, कर लो नोट दो क्वेश्चन करके। n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना दिया हुआ है n फैक्टोरियल, सोचना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जो बड़ा होगा वो टूटेगा किसके टर्म में, छोटे के टर्म में, ये मतलब है नोट का। इन क्वेश्चन वी कैन एक्सप्रेस लार्जर फैक्टोरियल या ब्रेक करेंगे लार्जर सो दैट वी रीच टू द स्मॉलर फैक्टोरियल, या एक्सप्रेस कर देंगे लार्जर को स्मॉलर फैक्टोरियल में, और एक्सप्रेस कर देंगे लार्जर फैक्टोरियल into smaller factorial, कैसे जब भी आऊँ ना पार्टिकल लेके आऊँ, लार्जर को स्मॉलर में एक्सप्रेस कर दें। ब्रेक कर लेंगे ऑब्वियसली बात है, इसमें 6 फैक्टोरियल बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, लार्जर कौन सा स्मॉलर कौन सा है, आपका दिमाग उस समय किसको स्ट्राइक करेगा, पूरी पीएनसी को, जो बड़े वाला है वो तोड़ दो, जो स्मॉलर है उसको ऐसे पड़ा रहे दो, तो बड़े वाला ब्रेक कर दो, तो कैसे ब्रेक होगा, 6 × 5 × नीचे वाला आ जाएगा 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर आ गया 30 नीचे आ जाएगा 2 × 1 क्यों 2 फैक्टोरियल, तो 15 आ जाएगा सॉल्व करके, ये तो ऐसे दिमाग लगाना है। अगला है 7th रिजल्ट,
तो सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर। n प्लस थ्री फैक्टोरियल ऑब्वियस है, ये बड़ा है ये छोटा है ये नहीं मैं भूल सकता, तो n प्लस थ्री को तोड़ लो, n प्लस थ्री एक कम कर लो, n प्लस टू थ्री से कम करना है प्लस टू, अंडरस्टूड है। n प्लस वन कब तक चलो, जब तक n नहीं मिलता, तो मैंने वही कहा था ब्रेक करते रहो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां n मिल गया वहीं रुक जाओ कार्ड के आंसर, ये मतलब है सेवंथ रिजल्ट। n प्लस थ्री था उसको ब्रेक किया, ब्रेक कैसे करते हैं, बड़ा उससे एक छोटा, एक उससे छोटा उससे छोटा, तो जो लार्जर है वो ब्रेक कर। फिर क्या अगर आओगे रिजल्ट नंबर सेवन, नेगेटिव का फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, जैसे एग्जांपल एट फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, जैसे एग्जांपल 3/2 का फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल। नाइन्थ कन्वर्ट करने इनटू फैक्टोरियल, आप कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल में, नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल। ऐसा करो पहले इन्हीं रिजल्ट पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं नाइन्थ रिजल्ट कराता हूँ। दो रिजल्ट अभी रह रहे हैं, इसके लिए एक पेज छोड़ देना पूरा आगे पीछे का, अभी दो रिजल्ट रह रहे हैं, एक पेज छोड़ दो, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करा होगा कि हाथ खुल दो। चलिए एक्सरसाइज पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा असाइनमेंट दे रहा हूँ, फटाफट से करना ताकि एक बार हाथ सब खुल जाए, स्पीड बन जाएगी, फिर रिजल्ट समझाने आसान हो जाएंगे। तो चलिए पहला है आपके पास, फर्स्ट है, फर्स्ट तो मैंने करा दिया फाइव वाला, सेकंड है वो कह रहा है कंप्यूट करो निकालो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, शो दैट, शो करो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू, मैंने वैसे तो नहीं होता फिर भी कहता है शो करो। थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ है, कराओ पहले 4-5 क्वेश्चन कराओ, उससे थोड़ा काम हल्का सा हो जाएगा, फिर निकालना आसान, फिर अगले में देखते हैं कि कैसे हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, वो रिजल्ट करो। निकालो जरा 8 फैक्टोरियल, थर्ड का फोर्थ फाइंड करनी, थर्ड का फिफ्थ 1/9, 1/10, फिफ्थ कराओ कराओ,
ऑब्वियस सी बात है इसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग आएगी, राइट हैंड साइड अलग आएगी। नाउ सॉल्यूशन, एट फिर होते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 40 3 20 करें ना सर। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 3 2 1 24 कितना दिया 8 फैक्टर अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 0 3 2 40 3 20 काटने पे नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अंडरस्टूड है 2 फैक्टोरियल 2 होता है कहाँ आएगा 2 के ऊपर। चलिए बोलना तो बोल देना कोई बात नहीं। फाइंड करनी है वैल्यू फिफ्थ फिफ्थ का सेकंड पार्ट करो ये दो पार्ट दिए पहले थोड़ा सा इनको करा दूं फिर जो पेंडिंग है रिजल्ट वो ले तो करा दूं। फिफ्थ का बी पार्ट है इवेल्युएट करो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल वेयर एन कितना दिया हुआ है 15 और आर कितना दिया हुआ है 8 जो बड़े हैं वो ब्रेक करना छोटे की टर्म में तो बड़ा तो 8 है बड़ा तो 7 है छोटा 6 छोटा है तो बड़ा तो यही लग रहा है। लार्जर को ब्रेक कर लो स्मॉलर की टर्म में n फैक्टोरियल वाला रिजल्ट लगा दो n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल उस वाले टॉपिक से ब्रेक कर दो 8 फैक्टोरियल क्या आएगा सोचोगे 8 फैक्टोरियल क्या आएगा 8 इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल क्यों क्योंकि सबसे छोटा तीनों में से 6 फैक्टोरियल है माइनस 7 को ब्रेक करो 7 को कैसे ब्रेक कराओगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नीचे कोई आएगा हाँ कॉमन ले लो आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल ऊपर से नीचे से कॉमन पूरा खोलना पूरा खोल लो जिसको समझ नहीं आता पूरा सॉल्व करना कर लो 8 फैक्टोरियल अभी सॉल्व किया है देखो उधर 4 0 अभी सॉल्व किया था वैसे करना है वैसे कर लो जो कॉमन आता है कॉमन ले लो अगर समझ आ जाए कॉमन का तो कॉमन ले लो क्या कॉमन आएगा 6 फैक्टोरियल तो बचेगा कितना सोच लो 8 इंटू 7 माइनस 7 बाय 6 फैक्टोरियल कट जाएगा 56 माइनस 7 49 आंसर ऐसे अगला सोचो करो करो जब तक तुम खुद नहीं करोगे मेरे कराने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे कराने से नहीं आएंगे आपको खुद निकालने पड़ेंगे हाथ से 8 फैक्टोरियल को तोड़ लो 8 7 6 फैक्टोरियल 7 into 6 कॉमन आ रहा है कितना 6 फैक्टोरियल 8 into 7 minus 7 56 minus 7 चलिए 7 है नाइंथ प्रॉब्लम है 7 तो वही रिजल्ट्स पे हैं जो भी छोड़ रखे हैं तो चलिए निकालिए 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल लार्जर को ब्रेक कर लो करो फटाफट से इन दोनों को क्या कर दो ब्रेक कर दो तो इनकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन ये क्या आएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 9 8 फैक्टोरियल जो कॉमन आता है कॉमन कितना कॉमन आ जाएगा सोच लो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ बचेगा कितना आपके पास 1/9 एलसीएम ले लो वन बाई एट फैक्टोरियल 90 एलसीएम 90 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल 101 9 इंटू 10 तो आ गया आंसर कितना आंसर बन गया सोचो 101 बाय 10
9 8 फैक्टोरियल क्या आएगा 8 फैक्टोरियल इनटू 9 इनटू 10 10 इनटू 9 इनटू 8 फैक्टोरियल y क्या लग जाएगा 10 101 बटे 10 फैक्टोरियल आंसर आ गया दोबारा देख लो 1 बाय 8 फैक्टोरियल 9 10 9 तो सामने ही दिख गया कि ब्रेक करना पड़ेगा तभी 8 पे पहुंचूंगा तो 9 को लिख दिया 9 टू 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को भी ब्रेक करूंगा तभी 8 पे पहुंचूंगा 10 इनटू 9 इनटू 8 फैक्टोरियल 1 2 3 इसमें से कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो तो जो कॉमन आ रहा था ले लिया 1 इसमें से बच गया 1/9 1/90 एलसीएम जैसे ही 90 एलसीएम लिया 90 ऊपर चला गया तीनों का एलसीएम ले लिया 90 ऊपर चला गया 10 ऊपर चला गया 1 तो ये क्या आ गया 101 ये क्या आ गया 9 टू 10 90 9 10 8 फैक्टोरियल तो क्या लिखता हूं 10 ऑर्डर में लिख देता हूं 9 8 फैक्टोरियल तो सारा क्या बन जाएगा सोचो 9th है 7th उसके बाद चलूंगा 5th कर लो फिर 7th 5th जो भी रिजल्ट रह रहे हैं उनके ऊपर चला दूंगा 9th है प्रूव दैट है n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r गुना n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल चलिए आ रही ये प्रूव करना है लेफ्ट को उठाएंगे राइट प्रूव करा देंगे कराओ जरा कोशिश करो पर पहले वो कर लो तो आसान है क्या फिफ्थ तो आसान है कितना आ गया सॉल्यूशन फुट करा दो इनको 15 आर को 12 इन 1 में करा दो तो 15 फैक्टोरियल आ गया नीचे 12 फैक्टोरियल आ गया 15 माइनस 12 फैक्टोरियल आ गया 15 फैक्टोरियल बचा इनटू क्या आ गया 3 फैक्टोरियल ब्रेक कर लो बड़े बड़ा इसमें से कौन सा लगता है 3 इसको क्या कर दोगे ब्रेक 15 को लार्जर है ब्रेक कर दो कैसे ब्रेक करूंगा सोचो 15 14 13 12 नीचे क्या आएगा 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सोचो 15 14 13 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 15, 14, 13, 3, 2, 1. कितना आ रहा है सॉल्व करिए कितना आ रहा है 455 अगला करो कोशिश करो अगला करने 11th लिखना कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड उठाओ राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेना जो बड़ा है वो टूटेगा ये बात याद रखना फाइंड करो एक्स वेयर चलिए जरा देखिए जरा किसी ने नाइन्थ को किया हो तो कोई है जो आप में से नाइन्थ को कर गया हो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए करा आपने नाइन्थ
लेफ्ट को पिक करो जो बड़ा लगता है उसको तोड़ो, छोटे की टर्म में क्या हो गया, एक ही लॉजिक। अभी तो मैंने अगला तभी तो रिजल्ट कराया नहीं है, नाइन्थ रिजल्ट रोका ही इसीलिए था कि मैंने कहा चलो पहले जो रिजल्ट कराए हैं एक ही मेन था कि रोकना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या आएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, यह आएगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं ध्यान से देखूं और क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आती है बात, क्या ये तो दोनों सेम है, ये देखो ये और ये तो सेम है, ये भी एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी एन माइनस वन फैक्टोरियल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये क्या दिया हुआ है एन माइनस आर माइनस वन और ये क्या दिया हुआ है एन माइनस आर, बता सकते हो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा ना, क्यों इसमें देखो एक दो तीन टर्म्स है तो ये नहीं बड़ा। चलिए कौन सा बड़ा है, ऐसे नहीं देखना कि टर्म इसमें तीन है, ऐसे लेंथ वाइज नहीं देखना, कहीं बस फुट्टा ले जो स्केल ले जो अपनी, ये लंबाई में बड़ा है लंबाई में छोटा है, लंबाई माप रहे हो वहां पे जाके, वैसे मापोगे स्केल से कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा, नहीं वैल्यू वाइज देखना है कौन बड़ा बताओ एन माइनस आर, तो लार्जर है तो क्या कर दोगे ब्रेक, किस फॉर्मूले से एन फैक्टोरियल से क्या होता है एक कम, तो ये एन माइनस आर एक कम करो तो क्या आएगा एन माइनस आर माइनस कॉमन आ जाएगा आंसर आ गया, एलसीएम ले लो जो तुम्हें दोनों से अच्छा लगता है, अपने आप करो, मेरे कराने से तो मैं सीख पाऊंगा, आपके करने से आप सीखोगे, मैं तो करा दूंगा फटाफट, तभी मैं रोक के अभी जल्दबाजी नहीं करूँ, वीके करके कर दूंगा। सीखने भी तो आने चाहिए ना, मैं तो करा के निकल जाऊंगा, मेरे को मैं तो हो गया काम, ऐसा नहीं चल पाता। n माइनस वन फैक्टोरियल एक दिन में सीखनी मतलब काम को खुद से करना, प्लस आ फिर क्या आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर, इसको ब्रेक कर दो n माइनस आर, फिर कम कर दो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, कुछ कॉमन लेते तो कॉमन लो, मैं तो कॉमन में बिलीव करता, पर कुछ बच्चों को मैंने देखा है एलसीएम लेते हुए, उनसे उनका एलसीएम पे होल्ड है, एलसीएम ले लो मुझे कोई दिक्कत होगी, मैं तो कॉमन ले लेता हूँ मुझे कॉमन ठीक रहता है, आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम लो, कोई इसमें कोई इशू नहीं, कॉमन लो एलसीएम लो ठीक। लो जरा कॉमन कॉमन लो, तो ये क्या बन जाएगा सोचो, जब कॉमन लूंगा यहाँ लिख रहा हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल, यही लिख देता हूँ, एक स्टेप तो हो रहा ही जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, बचेगा वन बचेगा आर बचेगा एन माइनस आर, इसका लघुत्तम समावर्तक लिखना है इसी, तो क्या हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्या लोगे एन माइनस आर, ऊपर आएगा एन माइनस आर प्लस आर, आर से आता है, ये तो पिछले क्वेश्चनों की तरह बन गया, थर्ड का कोई पार्ट था जो उसमें यही था n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू क्या बच गया n अपॉन n माइनस आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, क्या आएगा बताओ आंसर में, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल बाय रिजल्ट ऑफ फैक्टोरियल, देख लो आप क्या आ जाएगा समझ में, इसको क्यों ब्रेक किया पता है, क्योंकि ये दोनों तो सेम थे, क्या करोगे ब्रेक करके, बड़े पे टारगेट रखना, अभी मैंने रिजल्ट ही कराया मेन तो एक ही कराया, बाकी तो नेगेटिव का फैक्टोरियल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है वो कराया, तो बड़ा ब्रेक देखो बड़ा कौन है, बड़ा जो आपको दिखता है उसको पिक कर लो आई से और कम, एलसीएम लो कॉमन, वो तो आपकी हेड है वो आप सोचो, वो तो कैलकुलेशन का एक पार्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने ऐसे कर लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ऐसे कर लिया, सोचो एन इंटू एन बाय रिजल्ट ऑफ फैक्टोरियल से by result of factorial से ये क्या बनेगा बताओगे n factorial, क्यों n into n minus 1 factorial, और नीचे वाला क्या बनेगा सोचो जरा n minus r minus 1, तो नीचे वाला क्या बनेगा n minus r right hand side के equal होंगे, ये तो ब्रेक कर ये ही नहीं आएगा क्या, n minus r को ब्रेक करियो n minus r एन माइनस आर माइनस वन वही तो ऊपर दिया हुआ है तो उसी को तो लिख दिया, तो क्या हुआ यही तो करना है उल्टा सीधा कभी इसको ब्रेक करना कभी इकट्ठा करना, अगला सवाल है इलेवंथ कर सको तो थर्टीन
13th है, फाइंड करो n इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये भी ठीक है, कहता ही दिया हुआ है x की वैल्यू निकालनी आसान है। देखो दोनों से कौन से बड़े बूढ़े, देखो कौन है जो बड़े होंगे इसको ब्रेक करेंगे। जो लार्जर है उसको ब्रेक कर, इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मतलब ही नहीं है इफ दिया हुआ है। अगर ये इसके इक्वल है तो x निकालना है इसमें से। देखो तुम्हें बड़ा क्या लगता है, 2x plus 1 का मुकाबला किससे होगा, इससे होगा, इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा लग रहा है मेरे को तो। इसका मुकाबला तो इसके साथ ही हो सकता है 2x minus 1 का, सोच लो 2x minus 1 और ये x plus 2x minus 1 है, इनमें से कौन सा बड़ा लग रहा है तुम्हें, देखो जरा, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लार्जर लग रहा है ना, ये लग रहा है ना ये। तो जो लार्जर है उनको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक किस से n फैक्टोरियल से, n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ब्रेक कर लो, कराओ जरा, बताओ क्या आएगा, अपना दिमाग लगाओ। पहले ऊपर वाले को ब्रेक करो क्या आएगा, रेड वाले को 2x plus 1 को ब्रेक करो क्या आएगा, 2x plus 1, फिर एक कम करो 2x, फिर एक और कम करो 2x minus 1। क्यों यही रोक दूं, क्योंकि देखो मामा पढ़ा नहीं 2x minus 1, ये पढ़ा तो है सेम ही, सोच के देखो दिमाग से, 2x plus 1 फिर एक कम करो 2x, फिर एक और कम, कम का मतलब समझते हो, प्लस वन तो कम करोगे क्या आएगा 2x, फिर एक और कम करोगे तो इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल है, नीचे कितना आएगा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 एक कम करना, x प्लस 1 एक और कम करना, x फिर एक और कम करना। क्यों यही रोक लूंगा, ये चीज़ पढ़ी थी सोचो, और ये वाला नीचे वाला क्या आएगा सोचो, ये वाला क्या आएगा सोचो, 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया 3/5, जो करते हैं काट दो, तो क्या आएगा बताओ, 2x plus 1 into 2x upon x plus 2 x plus 1 into क्या आएगा x equal to 3/5 x x करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आंसर, कराओ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो कितना आंसर मिलता है, निकाला कोई किसी पार्टी बन गई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10 इंटू 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1, ब्रैकेट खोल दो, ट्वेंटी एक्स प्लस 10, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, सबको उधर ले जाओ तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, बस तो सॉल्व करना 10th क्लास की तरह, मैं क्या इसको करा लो, स्प्लिट करा लो मिडिल टर्म को, अगला दिया हुआ है 13, स्प्लिट करा लो मिडिल टर्म को, खुद भी तो कोई काम करो, 4 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आंसर 4 आ जाएगा, देख लेना चाहिए, ये तो खुद का काम है ना कि मैंने क्या कराने में, क्योंकि x नेचुरल उसने पहले ही बोला हुआ है, 12x plus x minus 4, 3x कॉमन आ गए, तो x minus 4 plus 1 कॉमन आ गया, x minus 4, तो आ गया x minus 4, 3x plus 1, तो आइदर क्या आएगा, और 3x plus 1, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, नेचुरल तो वही आ गई 13 दिया 15, बड़े को तोड़ना है छोटे के टर्म में, जितनी जल्दी समझ आएगा उतनी जल्दी क्वेश्चन लिखने में, परेशानी इसी में रहना है कौन बड़ा कौन छोटा, ये थोड़ा बताने की जरूरत है प्लस वन में आने, जिसको अभी तक यही नहीं पड़ा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फिर उससे तो रहनी इसी तरह से, जिसको ये पता चल जाएगा आ इन रेशो में दिया हुआ है,
2 फैक्टोरियल एंड फाइंड करो एम। चलिए निकाली तुम कुछ, फिर एक बारवा भी ट्राई कर लो और एक दसवां भी, फिर मैं करा दूँ साथ। तो अब मुझे लगेगा कि तुम घर पे बाकी कर लोगे, फिर मैं दो बाकी के निकल करा। तो कुछ नहीं है तो सामने ये तो हो गया होगा, ये वाला तो सामने। ऑब्वियसली ये लार्जर लग रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा किस रूल से, n फैक्टोरियल बाय रूल से, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो n प्लस वन को ब्रेक कर लो n प्लस वन, फिर एक कम कर लो n, फिर एक और कम कर लो n माइनस वन फैक्टोरियल, 12 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गई सॉल्व होने कितना आ गया, ब्रैकेट खोल गया, n स्क्वायर प्लस n n को ब्रेक कर लो। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, n क्या आ जाएगा, इधर देखो तुम दोनों। या फिर इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी होता है, मर्जी ऐसे भी कर सकते हो। ये पता होना चाहिए किसके लिए चल रहे हैं, फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल किसका होता है, नेचुरल का होता है। अंडरस्टूड है माइनस फोर क्यों रिजेक्ट हुआ है पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो अननेचुरल लिखा नहीं हुआ था। माइनस फोर इसलिए रिजेक्ट हुआ, वन में पुट करा के देखो जरा इनको माइनस फोर, जैसे ही इनको माइनस फोर कराएंगे इन वन में तो क्या आएगा बताओगे, माइनस फोर प्लस वन फैक्टोरियल, क्या माइनस थ्री का फैक्टोरियल पॉसिबल होगा, समझा करो ना बेटा। इस तरह से है माइनस थ्री का फैक्टोरियल, माइनस फाइव का फैक्टोरियल, ये तो पॉसिबल ही नहीं होते, इसलिए होते हैं। वैसे ही बोला हुआ है कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट है, किसके बना नेचुरल नंबर की, तो सारा काम किस में कराता है, तो नेचुरल में है। तो इसका शॉर्टकट लगा सकते हो कहाँ से, यहाँ से, ये क्या आया एन प्लस वन इंटू एन, ये क्या आएगा 12। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ पेपर में, आप ऐसे भी कर सकते हो, एन नेचुरल है अंडरस्टूड है वैसे तो, अगर समझ आ जाए ठीक है, इनको नेचुरल होना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अगर एन जीरो हो गया तो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि जीरो माइनस वन फैक्टोरियल, एन होता ही नहीं भाई, बता ही दिया नेचुरल है। तो ये क्या आया आराम सोचो, ये सोचो टू कंसेक्टिव का मतलब शायद समझते होंगे, फैक्टर इन डिसेंडिंग का मतलब भी समझते होंगे, ऑर्डर, बस बात खत्म। समझ आओगे क्या है, दो फैक्टर हैं लगातार हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग समझते हो, पहले n प्लस वन है बड़ा है, फिर क्या है n है एक छोटा है, नीचे गिर रहा है ना वो, तो 12 के भी दो फैक्टर बना लो सोचो। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड 12 के भी दो फैक्टर बनाओ, ये लेफ्ट हैंड साइड के तुमने पास दो फैक्टर हैं तो इसके भी बनाओ, मेक टू दो कह रहा हूँ टू कंसेक्टिव लगातार फैक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हो क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस वन इंटू एन, तीन इंटू चार गलत हूँ, क्या गलती है, तीन इंटू चार बारह तो होता है पर डिसेंडिंग में नहीं है, n प्लस वन के बाद n है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ सोचो, n प्लस वन इंटू एन, बारह को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। आप कंपेयर करा लो, जैसे ही कंपेयर कराओगे आंसर आ जाएगा। अगर ये समय n प्लस वन किसके इक्वल है बताओ, 4 के, और n 3 के इक्वल, n कितना आ गया सोचो कितना जाके 3, सीधा आंसर निकल जाएगा। मतलब आपकी स्पीड तेज होगी तो 4 को 12 को ऐसे सोचना है जो इसे समझ जाए, 12 के कितने हो गए 4 इंटू 3, क्या होना चाहिए कंजेक्टिव और क्या होना चाहिए डिसेंडिंग, तो एक कंजेक्टिव भी और क्या है, क्योंकि जो लेफ्ट है वही राइट होगा, तभी तो कंपेयर करूंगा, सीधा भी कर सकते हो ऐसे, सिर्फ इसी में कर सकते हैं, टेंथ की क्वार्टिक में नहीं कर सकते ना प्लस वन की क्वार्टिक में, क्यों, क्वार्टिक के दो फैक्टर होते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो इस क्वार्टिक के कितने फैक्टर निकले आपको पता है, दो निकले, कितना माइनस फोर एक
पर ये क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सारा किसके ऊपर काम कराती है, नेचुरल के ऊपर, तो हमें सिर्फ एक फैक्टर चाहिए होता है, रिजेक्ट हो गया तो इससे एक फैक्टर फटाफट मिल जाएंगे, इसीलिए सिर्फ इसी में कामयाब है। ये वाला मेथड आप वो क्वाटिक में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री उतने रूट होते हैं, इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली कितनी है कोई बताएगा डिग्री कितनी है, दो है, क्यों, जब क्वाटिक खोल के तो दो डिग्री है, तो इसमें दो रूट होने चाहिए, पर क्योंकि ये सारा काम ही नेचुरल के लिए कराता है, बाकियों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है सिर्फ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ना मैं बाइनोमियल में, ना मेरा ट्रिग्नोमेट्री में, ना मेरा स्टेट कहीं और नहीं लगेगा, सिर्फ 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 परमुटेशन लगेगा, पहले क्या लगाना है तो शॉर्टकट ओनली फॉर परमुटेशन लिख देता हूँ, शॉर्टकट है ओनली है फॉर जहाँ नेचुरल की बात करें परमुटेशन, मतलब चैप्टर 7 के लिए कल को कॉम्प्लेक्स नंबर करो, उसमें क्वाटिक भी है, उसमें भी ऐसे काम करते रहो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट 2 क्वाटिक का है, उसमें काम नहीं हो सकता, सिर्फ इसी में हो सकता है, मर्जी है तो ऐसे कर लेना, ऐसे भी तो आई गया आपका आंसर, 15 कराओ, 2 और दे रहा हूँ, नहीं तो लिख लो बार बार, जब आप पूरा साल पढ़ोगे तो मेरी बात को याद रखोगे, सिर्फ ये फैक्टोरियल में कभी ना कभी तो आपको समझ आएगा, आज नहीं आएगा और 20-25 साल बाद आ जाएगा, 50-60 साल बाद आपको कभी ना कभी तो समझ आएगा ये बात कही थी। चलो बार में पहले 10वां करने के लिए, तो मैंने अपनी टाइप जो भी करवाई तो उसके काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, निकालो जल्दी लाओ, ये तो कर ले तो सर, रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो तो बता ही आप, कहता दोनों की रेशियो दी है, n फैक्टोरियल सॉल्यूशन है अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या दिया हुआ है 2:1, इसको ऊपर ले जाओ, किस रोज से, इस रोज से CYDA ऊपर ले जाओ, क्या आएगा n फैक्टोरियल ऊपर ले जाओ 4 फैक्टोरियल जो करते हैं वो तो काटो, जो बड़ा है वो देखो आप पिक कर पाएगी आपकी आंख के नहीं, लार्जर है तो क्या कर लो ब्रेक कर लो, लार्जर है तो क्या कर लो ब्रेक कर लो, जब आपकी आंख बन गई लार्जर में तो काम खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 2, ब्रेक करना क्या आएगा कोई बताएगा n माइनस 3, एक और ब्रेक करो क्या आएगा, और यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करोगे बताओगे 4 को, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, साथ में क्या लगेगा बताओगे n माइनस 4 फैक्टोरियल, अगर समझ आ गए तो ठीक है, दोबारा देख लो, इसको ब्रेक करो और इसको ब्रेक करो, 4 को कैसे ब्रेक कराऊंगा 4 × 3 × 2 क्यों कट जाएगा, सोचो n माइनस 2 को बोलो n माइनस 2 फिर कम करो n माइनस 3 एक और कम करो ये भी कट जाएगा, बचा कितना हो देखो, वैसे ही शॉर्टकट लगा लेना, बड़ा कट लगाना है बड़ा कट लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लगाना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई 12 है, समझ जाओगे ना, ये देखो 4 × 3 = 12 और इधर कितना चला जाएगा बताओ n माइनस 2 n माइनस 3 तो देयरफॉर n माइनस 2 n माइनस 3 क्या आएगा 6, सोच के देख लो एक ही बात आगे पीछे हो जाए, ये क्या बताओ 2 कंजेक्टिव लगातार फैक्टर इन छोटे ऑर्डर में डिसेंड हो रहे हैं, तो 6 को भी ब्रेक करो, कैसे ब्रेक कराओगे 6 को 3 × 2 नहीं तो फैक्ट पूरा खोल लो, शॉर्टकट नहीं समझ में आता नहीं पसंद है तो रहने दो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, 3 × 2 कंपेयर करा दो, क्यों लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसको कंपेयर कराऊं, किसी को भी करा लो, चाहे इसको इससे चाहे इसको इससे, यहाँ से n कितना आएगा 5, यहाँ से भी n कितना आएगा 5, जहाँ से मर्जी कंपेयर करो, चाहे पहला करा लो चाहे दूसरा करा लो, नहीं कराना चाहते तो क्या करा लो ये बताओगे, नहीं कराओगे तो क्वाटिक बना लो, कैसे इन दोनों की सॉल्व करो, कराओ एक क्लास दसवां दिया।
कराओ फटाफट से दसवां और एक बारवां। तो मैंने तो अपनी तरफ से जो प्रैक्टिस करानी थी करा दी, अब आप देखो आपको कितना समझ में आता है। पहले तो इनको अच्छी तरह कर लो, फिर चाहे भले आगे चलो। पहले एक बार इन्हीं क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, फैक्टोरियल खोलने आगे समझ आगे किसको खोलना है किसको नहीं, बस फिर तो कहानी है। चाहे भले जो दो आर्टिकल छोड़े हैं वो भी ऐसी हैं। ब्रेक करना है ब्रेक कर लो, नहीं ब्रेक करना और इसको क्या कर लोगे सॉल्व करा लो। n स्क्वायर माइनस 5 एन प्लस 6 इक्वल टू 6, ये 6 से 6 कट गया, n कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये n 0 है n 5 नॉट पॉसिबल n 5, ऐसे सॉल्व करना है। जो इतना ना वैसे ही सॉल्व करना है आपने शॉर्टकट से, नहीं आता मैं उसमें निकालो x की वैल्यू तो आसानी अभी कराइए वो तो खुद भी गलत हो गया। चलिए क्या लिखा हुआ है ब्रेक कर लो, किनको ब्रेक करोगे, बड़ों को ब्रेक कर लो, लार्जर को। तो क्या आएगा 1/9 फैक्टोरियल, कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, मैं तो कॉमन में बिलीव करता हूँ। कई बच्चों को देखे हैं उनकी एलसीएम अच्छे तो एलसीएम में ले लेते हैं, मैं तो कॉमन ही ले लेके निकाल लेता हूँ। 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, सोच लो कौन कहता नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई में तो कट जाएंगे उसमें क्या दिक्कत है। एलसीएम ले लो तो कितना आएगा बताओगे, 10 + 1/10 x/11 × 10 11 × 11 आ गया x, 121 इक्वल टू x आंसर आ गया। स्पीड अपने आप बन जाएगी, थोड़ी स्लो है तो कोई बात नहीं अपने आप बन जाएगी, बहुत समझ अगर आप बार बार इसको देखोगे वीडियोस को भी और इनको भी तो अपने आप समझ बन जाएगी, कुछ नहीं है कॉमन की गेम। मैं अगर 6th क्लास में चला जाऊँ तो मेरे को 4 एलसीएम लेना आता है, 4, 5, 6 का सोचो, 4, 5, 6 का एलसीएम ऐसे लेते थे, 2 to the 4, 5, 2 to the 6, 2 1 2, 5 3, 5 1 1 3, 3 1 1 1, तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4, 5, 6 का इक्वल 2 × 2 × 5 × 3 60 आंसर। तो इसका भी वैसे ही लेना हो गया, गेम फैक्टोरियल आ गया तो हो गया, वो फैक्टोरियल आ गया तो फैक्टोरियल की तरह ले लूँगा, 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, तो मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के 5 फैक्टोरियल को ही खत्म करने की कोशिश करूँगा, 5 को क्या लिखूंगा, 5 × 4 = 6 फैक्टोरियल क्या लिखूंगा, 6, 5, 4 लार्जर को ब्रेक कर लूंगा, 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 फैक्टोरियल इससे जाएगा बताओ जरा, 4 फैक्टोरियल से कितना आएगा, 1, 5, 30 अगर आपको समझ आ गया तो। पूरा खोलो नहीं तो 4 फैक्टोरियल कितना होते हैं 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, वैसे सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, सॉल्व करो। 10th क्लास की तरह सॉल्व करो, 9th की तरह सॉल्व करो, 5 पे जाएगा तो क्या आएगा 6, 6 पे जाएगा तो क्या आएगा, देयरफॉर एलसीएम क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का कितना आएगा 6, ये एलसीएम तो है इसका कितना आ रहा है 6, 5 × 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा बताओगे, 6 फैक्टोरियल आंसर आ गया।